आज धनतेरस है। जिस दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। और इस दिन उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए भगवान विष्णु के अंश भगवान धन्वंतरि की पूजा का विधान है। इस विधान में बाद में जेवर, नकदी, बर्तन और तिजोरी का पूजन भी जुड़ गया। सभी को धनतेरस के शुभ अवसर पर स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। धनत्रयोदशी आज से 5 दिन के दीप उत्सव की शुरुआत। देश भर के बाजार हुए गुलजार। लंदन में 10,000 लोगों ने मनाया दिवाली का त्यौहार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीयों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र की सौगात। प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का भी करेंगे शुभारंभ। कई मेडिकल कॉलेज भी देश को करेंगे समर्पित। अयोध्या में सोमवार से 3 दिवसीय दीपोत्सव शुरू। राम जन्मभूमि पर बने मंदिर के लोकार्पण के बाद अयोध्या में पहला दीपोत्सव। साल 2017 में शुरू हुए दीपोत्सव का ये 8वां आयोजन। 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर 25 लाख दीपों से राम की पौड़ी को आलोकित कर विश्व कीर्तिमान बनाने की पूरी तैयारी। लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और आतिशबाजी भी दीपोत्सव की भव्यता को बढ़ाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को राजधानी दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिवाली के कारण 31 अक्टूबर को होने वाली रन फॉर यूनिटी को आज किया गया है आयोजित। 31 अक्टूबर को होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। वैश्विक एयरोस्पेस विनिर्माण में एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करती है ये संयंत्र की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा भारत स्पेन के संबंधों को सशक्त बनाने का ये फैक्ट्री एक बेहतरीन अवसर। आज धन त्रयोदशी है। हिंदू धर्म में धनतेरस का त्यौहार धन, आरोग्यता, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आज से ही 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली उत्सव भी शुरू हो गया है। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत से भरा घड़ा लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और इनके सिक्के, आभूषण और बर्तन खरीदने की प्रथा है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी और पीतल की वस्तुओं और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। इस अवसर पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं, वहां की रौनक देखते हुए बनती है। अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार होने के कारण रन फॉर यूनिटी का आयोजन आज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को आज रवाना किया। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था उस वक्त स्फूर्ति के साथ चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है।
इसका नींव डालने का काम हमारे सरदार पटेल साहब ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के आज के पावन अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उन्हें संबोधित भी करने वाले हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और ये राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के सार्थक अवसर प्रदान करके युवाओं को सशक्त बना रहा है। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और देश भर से चयनित नवनियुक्त युवा विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। इनमें राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के कुछ अन्य विभाग और मंत्रालय शामिल हैं। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ये प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जाएगा। इस पोर्टल पर 1400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो युवाओं को प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर मंगलवार को यानी आज राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे दिल्ली एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाएं लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इसमें पंचकर्म हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक सपोर्ट मेडिसिन यूनिट, एक सेंट्रल लाइब्रेरी, एक आईटी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक जन औषधि केंद्र भी शामिल है। पीएम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी स्वास्थ्य सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम यू विन पोर्टल का भी शुभारंभ करने वाले हैं। भारत और स्पेन के रिश्ते बेहद खास रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों की कड़ी 6 दशक से भी ज्यादा से जुड़ी है। करीब 2 दशक के बाद भारत की धरती पर स्पेन के राष्ट्रपति पहुंचे। दौरा खास है तो मेहमान की मेजबानी भी खास रही। स्पेन के राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी का गवाह बना वडोदरा का लक्ष्मी विलास पैलेस। भारत दौरे पर पहुंचे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, फार्मा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा समेत कई दूसरे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। राष्ट्रपति पेट्रो की भारत यात्रा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। कि गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती माना जाता है। दीपावली प्रकाश, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। उसी प्रकार आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में
एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। इस अवसर पर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री को भरोसा दिलवाया कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। It is an honor for me and also for the Spanish delegation to be in India. I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. भारत और स्पेन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। भारत अपने तेज, सतत और स्थायी आर्थिक विकास के लिए स्पेन को एक उपयुक्त साझेदार मानता है। भारत और स्पेन ने राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित किए। इनमें सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा जुड़ाव शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये फैक्ट्री न सिर्फ भारत स्पेन के संबंध को सशक्त बनाएगी, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बल देगी। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज
अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने स्पेनिश इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को भारत में निवेश का न्योता देते हुए भारत की विकास यात्रा में सहयोगी बनने की अपील की। भारत और स्पेन की पार्टनरशिप एक ऐसे प्रिज्म की तरह है जो बहुआयामी है, वाइब्रेंट है और एवर इवॉल्विंग है। मुझे विश्वास है कि आज का यह इवेंट भारत और स्पेन के बीच जॉइंट कोलैबोरेशन वाले अनेक नए प्रोजेक्ट्स को प्रेरित करेगा। कुल 56 C-295 विमानों में से 40 का विनिर्माण वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा, जबकि 16 विमानों की सुपुर्दगी स्पेन आधारित वैमानिक की कंपनी एयरबस करेगी। ऐसे कार्यक्रम ऐसे अवसर पर किया गया जब साल 2026 को भारत और स्पेन दोनों देश संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अमरेली जिले के लाठी इलाके में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिले में भारत माता सरोवर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को अधिक ध्यान और गंभीरता से सुन रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने प्रति वर्ष 90,000 भारतीयों को वीजा देने की घोषणा की है। अब कौशल विकास करना हम पर निर्भर है। गुजरात के अमरेली जिले के लाठी में 4,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में रूस के शहर कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाने और इसकी विकास यात्रा में भागीदार बनने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। જેમ જેમ ભારતનો વિકાસ થતો જાય છે, દુનિયામાં ભારતનું ગૌરવ વધતું જાય છે, વિશ્વ આખું ભારત તરફ એક નવી આશાથી જોઈ રહ્યું છે, એક નવી દ્રષ્ટિ દુનિયાની અંદર ભારત તરફ લોકોની જોવાની બની છે, ભારતના સામર્થ્યની લોકોને ઓળખ થવા માંડી છે અને આજે આખી દુનિયા ભારતની વાત ગંભીરતાથી સાંભળે છે, ધ્યાનથી સાંભળે છે। अने बधा ज लोको भारत नी अंदर शु संभावनाओ छे एनी चर्चा करता होय छे अने एमा गुजरात नी भूमिका तो छे ज। गुजराते दुनिया ने बतायु छे के भारत ना शहरों मा गावड़ाओ मा केटला सामर्थ्य पड्या छे। थोड़ा दिवस पहला गया अठवाडिये हूं रशिया मा ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेवा गयो हतो। त्या दुनियाना अनेक देशना प्रधानमंत्रीओ राष्ट्रपतिओ त्यां हता, एमनी साथे निराते वातचीत करवानो मौको मळ्यो अने बधानी एक ज वात हती के अमारे भारत साथे जोडावुं छे, अमारे भारतनी विकास यात्रामां भागीदार बनवुं छे। दरेक देश भारतमां निवेशनी शुं संभावनाओ छे पूछी रह्युं छे। हुं रशियाथी पाछो आव्यो तो जर्मनी ना चांसलर ये दिल्ली पधार्या अने एमनी साथे मोटू डेलिगेशन लेने आया। आखा एशिया में जे उद्योगकारो एमनू रोकाण करे छे जर्मनी ना लोको, ए बधाने दिल्ली बोलाई लाया अने बधाने कह्यु कि तमे साहेब आ मोदी साहेब ने सांभळो अने तमे नक्की करो तमारे भारत में शुं करवुं छे। एनो अर्थ ए थयो कि जर्मनी पण मोटा पाया पर भारत में निवेश माटे थईने थनगनी रह्युं छे। એટલું જ નહીં, એણે જે એક મહત્વની વાત કરી છે જે મારા નવજવાનિયાઓને કામે આવેલી છે, પહેલા જર્મની 20,000 વિઝા આપતું હતું,
એમણે આવીને જાહેર કર્યું કે અમે 90,000 વિઝા આપીશું અને અમને જુવાનીઓ જોઈએ, અમારા કારખાનાઓમાં અમને મેન પાવરની જરૂર છે અને ભારતના જવાનીઓની તાકાત એટલી છે અને ભારતના લોકો કાયદાનું પાલન કરનારા લોકો હોય છે, સુખ શાંતિ હળી મળીને રહેનારા। गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधियों की तरफ से अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर बनाए गए उन गैर कानूनी पेमेंट गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों की तरफ से बनाए गए अवैध भुगतान गेटवे के खिलाफ अलर्ट जारी किया है जो म्यूल बैंक खातों का उपयोग करते हैं और इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए किया जा रहा है। गुजरात पुलिस और आंध्र प्रदेश की पुलिस की तरफ से हाल ही में की गई राष्ट्रीय व्यापी छापेमारी में इस बात का पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों ने म्यूल या किसी और के खाते का संचालन कर अवैध डिजिटल पेमेंट गेटवे बनाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त इस अवैध तंत्र का इस्तेमाल साइबर अपराधों से हासिल अवैध धन की लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अपने बैंक खाते, कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र, उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी को ना बेचें और ना ही किराए पर ही दें। ऐसे बैंक खातों में किसी और की तरफ से जमा अवैध धनराशि के लिए गिरफ्तारी समेत अन्य कानूनी अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। बैंक उन खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए जांच कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल अवैध पेमेंट गेटवे बनाने के लिए किया जाता है। 288 सदस्य महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। अंतिम दिन से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विपक्ष के नेता विजय वडेटीवार सहित कई शीर्ष नेताओं ने अपने पर्चे दाखिल किए। ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोपरी पाचपाखाड़ी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आज आखिरी तारीख है। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवार 4 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होने वाला है। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि भी आज है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। झारखंड की 81 सीट के लिए विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होने वाले हैं। दोनों राज्यों में मतगणना एक साथ यानी 23 नवंबर को होगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं दी। The South Asian American community enriched every part of American life, and that's the truth. And that is among the fastest growing, most engaged community in the country you are now. On this day in America, we think about that journey of light. Early in our nation's founding, generation before Dia, in the shadow of the suspicion, now in the time Diwali is celebrated openly and proudly here in the White House. And by the way, this is not my house, this is your house. Together, we may show the power in the gathering of light, the light of knowledge, the light of unity and truth, the light of freedom for democracy. For America, America we share and cherish. Only in America is everything possible. So, ladies and gentlemen, thank you for being here. Welcome to your home. Happy Diwali, America. पूरी दुनिया में दीपावली की धूम मची हुई है। लंदन में रहने वाले भारतीय भी रोशनी के इस त्यौहार को मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सेंट्रल लंदन के ट्राफलगर स्क्वायर में हज़ारों लोग रोशनी के त्यौहार दिवाली का जश्न
मनाने के लिए सम्मिलित हुए, जिसमें संस्कृति, एकता, उम्मीद और रंगों की एक शानदार झलक देखने को मिली। स्थानीय लोग और पर्यटक ट्राफलगर स्क्वायर में रोशनी के त्यौहार के जश्न में शामिल हुए। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस जश्न की कुछ झलकियाँ। आप देखिए ये झलकियाँ। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।